नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बायो में कोई भी क्लिकेबल लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं और आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बायो में अगर कोई भी क्लिकेबल लिंक ऐड करना चाहें जिस पर ऑडियंस आसानी से क्लिक भी कर पाए, तो आप उस तरह का लिंक अपनी बायो में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और हाँ, एक बार अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिए। तो आप जैसे अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल तक आ जाना है। तो हम यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़िलहाल बायो में कोई भी लिंक ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव लिंक ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो बायो लिखा हुआ है इसमें मैंने कोई भी लिंक ऐड नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें कोई लिंक ऐड करेंगे जिस पे ऑडियंस आसानी से क्लिक भी कर सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में तो आपका यहाँ पर नेम मिल जाएगा, जो भी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नेम है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम और थर्ड नंबर पर यहाँ पर आपको बायो, जो भी आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अब बात करते हैं कि लिंक कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों, हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक न्यू ऑप्शन ऐड हो चुका है अलग से ऐड लिंक का। तो दोस्तों, आपको इस ऐड लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड, जो फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है ऐड एक्सटर्नल लिंक। सिंपली इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट में जो आपका लिंक का यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर यूट्यूब का एक यूआरएल कॉपी किया हुआ था, वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जस्ट उसके बाद नीचे जो यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है इसमें आपको क्या डालना है, यानी अगर आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर YouTube का URL इसमें पेस्ट किया है यानी डाला है, तो यहाँ पर हम टाइटल में YouTube लिंक की लिख देते हैं YouTube लिंक। अगर आप यहाँ पर WhatsApp लिंक या फिर Telegram लिंक जो भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पर टाइटल में डाल सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम के यूआरएल एंड टाइटल ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपको राइट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम की बायो में लिंक ऐड हो चुका है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ और जैसे हम बैक आएंगे अपने अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने आपको शुरू में दिखाया, यहाँ पर सिर्फ पहले जो बायो दिख रहा था, जो मैंने बायो ऐड की थी, जस्ट उसके नीचे मैंने अभी एक लिंक भी ऐड किया था जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और दोस्तों, जो ब्लू कलर में जो लिंक दिख रहा है वही लिंक पे दोस्तों, यानी वही लिंक क्लिकेबल होता है। जैसे कि अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों डायरेक्ट ये लिंक हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही कोई लिंक कॉपी किया हुआ था। तो इसके अलावा आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल वेबसाइट हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो। तो इसी तरह से दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम बायो में क्लिकेबल लिंक ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, फिर भी मन में कोई भी सुझाव हो, विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।